दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद हैं बरेली के विकास भवन बरेली में और यहां पर प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने एक मैराथन बैठक ली अधिकारियों की। इस मौके पर कुछ महिलाएं भी उनसे मिली हैं तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए उन्होंने बात की है। नवनीत सहगल जी से रॉ मटेरियल की चर्चा की गई कि रॉ मटेरियल इतना महंगा है, अगर सरकार उस पर रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दे तो बहुत सारे कारीगरों को, आर्टिजन्स को लाभ हो सकता है। यहाँ बताते चलें, बरेली जरी दर्दोजी के नाम से मशहूर है, बे तो लकड़ी का कारोबार यहाँ पर होता, फर्नीचर का कारोबार होता है, तो बहुत सारे कारीगर लाभान्वित हो सकते हैं। उद्योग विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। क्या क्या हुआ है, क्या बोली है महिलाएं प्रमुख सचिव नवनीत सहगल से मिलने के बाद, आइए सुनते हैं उनके बोल। देखिए हमारी संपूर्ण रिपोर्ट। सचिव नवनीत सहगल मीटिंग लेने के बाद विकास भवन से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूरा नज़ारा। लंबी बैठक चली है, मैराथन बैठक है और आप कैमरे की नज़र में देख भी रहे होंगे तमाम अधिकारी। प्रमुख सचिव की बैठक समाप्त हो गई है। राजा साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरी बैठक और तमाम अधिकारी, उद्योग विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हैं प्रमुख सचिव नवनीत सहगल से मिलकर लौटी, क्या मैम मामला था आज? आज मामला ये था, हमारे बरेली में एक सीएफसी लगने जा रही है जो जिसको कहते हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसमें एसपीवी के लोग जोड़े जा रहे हैं, मेंबरशिप ली जा रही है, जिसमें वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक सीएफसी लगे और जो लोग पुराने ढंग पे काम कर रहे थे, यहाँ पे डिजाइन स्टूडियो है, रॉ मटेरियल की व्यवस्था कराई जाएगी और लोगों को रोजगार से छोड़ा जाएगा। जो लोग कम दामों पे काम कर रहे थे वो डायरेक्टली, जो बिचौलिए हैं वो हट जाएंगे, डायरेक्टली ऑर्डर दिल्ली से और इंटरनेशनल का टेस्ट बच्चों को बताया जाएगा। जो भी हैं सारे मेंबर्स के रूप में यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई जो हमारे प्रमुख सचिव नवनीत सहगल जी के उपस्थित हुए थे, उनके संज्ञान में डाली। तो आपने उनके सामने कुछ मांगे रखी, कोई बात रखी है जी, तो उन्होंने क्या भरोसा दिलाया है? उन्होंने ये भरोसा दिलाया, पहले तो वो ग्रुप से जुड़े थे कि आप लोग करते क्या हो, तो सारे लोग आर्टिजन हैं, सारे सबके जरी कार्ड बने हुए हैं और जरी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बस ये इंटरव्यू लेने आए थे कि आप लोग अगर यहाँ पे सीएफसी चलाएंगे तो उसमें आप लोगों को क्या क्या डिमांड रखनी है। तो सर के सामने वही प्रस्ताव रखा गया था कि सर यहाँ पे लोगों को कच्चा माल नहीं मिल पाता है और माल मिल जो लेते भी हैं, काम करते हैं, तो उसका रेट कम मिलता है, तो रॉ मटेरियल की यहाँ पे व्यवस्था कराई जा रही है, कॉमन फैसिलिटी अपने बरेली में खोला जाएगा जिसमें सारे लोग जो करने वाले हैं वो डायरेक्ट सीएफसी से जुड़ के काम करेंगे और मार्केटिंग भी उनको मिलेगी। ठीक, थैंक यू।